कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी बडी में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको लेवलिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, लेवलिस थ्योरम क्या होता है? अ बाउंडेड एंड एनालिटिक फंक्शन विथ इन अ क्लोज कंटूर सी विल बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट, अगर हम कोई क्लोज कंटूर सी लेते हैं, और इस कंटूर के अंदर कोई फंक्शन, हर एक पॉइंट पर एनालिटिक हो, और साथ ही साथ बाउंडेड भी हो, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो चलिए, तो इसको हम अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं? अ एनालिटिक फंक्शन विथ इन अ क्लोज कंटूर सी विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इस क्लोज कंटूर सी के अंदर हम कोई फंक्शन लेते हैं और वो फंक्शन हर एक पॉइंट पर एनालिटिक हो और साथ ही साथ वह बाउंडेड भी हो, वह फंक्शन एनालिटिक के साथ ही साथ बाउंडेड भी हो, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो हमारा एम यही है कि हमें कांस्टेंट फंक्शन दिखाना है। हम इसके अंदर दो पॉइंट ले लेंगे, जेड वन और जेड टू, और दिखा देंगे कि एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू, तो उसे हम बोल देंगे हमारा जो एफ जेड है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमारा एम यही है कि हमको एफ जेड को कांस्टेंट फंक्शन दिखाना है। तो चलिए इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रूफ की बात करेंगे तो कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर विथ इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन डी। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क लिया, क्लोज कंटूर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या लेते हैं, हम दो पॉइंट ले लेते हैं जेड वन और जेड टू, और इसका हमने सेंटर ले लिया जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ चूज टू आर्बिट्री पॉइंट जेड वन एंड जेड टू विथ इन सी, देन। तो देखिए, जब हमने क्या किया कि इस क्लोज कंटूर सी के अंदर दो पॉइंट ले लिया जेड वन और जेड टू, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कंटूर के अंदर जेड वन और जेड टू दोनों पॉइंट कंटूर के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर बाई सॉरी बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड वन पहले पॉइंट के लिए एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन डी जेड, और सेकेंड के लिए एफ ऑफ जेड टू इक्वल टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड टू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट,
तो हमारा फर्स्ट हो गया एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन डी जेड। सेकेंड हो जाएगा एफ ऑफ जेड टू इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड टू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, सिंपली देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ, अब देखिए इन दोनों में मेरा कॉमन क्या था, इन दोनों में हमारा वन बाई टू पाई आयोटा, वन बाई टू पाई आयोटा दोनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई जेड माइनस जेड वन माइनस वन बाई जेड माइनस जेड टू एफ जेड और डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम मॉड को अंदर ले जाएंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू वन बाई टू पाई और आयोटा का मॉड कितना होता है वन इंटीग्रेशन ऑफ सी। तो देखिए अब जिस इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस जेड टू और माइनस जेड 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 माइनस जेड वन, तो यहाँ से क्या होगा जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको ऊपर क्या मिलेगा जेड वन माइनस जेड टू का मॉड अपॉन जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू डी जेड और हमारा एफ जेड का मॉड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सिंस एफ जेड, जैसे कि हम जानते हैं कि एफ जेड क्या हमारा, एफ जेड हमारा बाउंडेड है, एफ जेड इज अ बाउंडेड फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो, तो सच दैट, अब देखिए सब क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लोज कंटूर था, हमने क्लोज कंटूर से लिया था जिसमें दो पॉइंट क्या था, एक हमने जेड वन लिट किया था और दूसरा हमने पॉइंट लिया था जेड टू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब हम इसका मॉड ले जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने मान लिया रो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जेड वन माइनस जेड टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा इसके जो मैक्सिमम वैल्यू इसके डायमीटर के बराबर होगा, इसका डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस इसका आर है तो इसका डायमीटर की टू आर के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी टू आर से लेस होगी, रो की वैल्यू क्या होगी टू आर से लेस होगी, जो कि क्या है हमारा डायमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक सेंटर, ए सेंटर क्या है जेड नॉट, तो देखिए जेड वन माइनस जेड नॉट इसकी वैल्यू हम लेट कर लिए कि रो वन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आर लेस देन आर, ये क्या होगा लेस देन आर, आर से छोटी होगी इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड नॉट इक्वल टू रो टू, ये भी क्या होगा आर रेडियस से छोटी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देन अब देखिए अगर हम जेड माइनस जेड वन इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट और माइनस जेड वन माइनस जेड नॉट
कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट? जेड नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको यही मिल जाएगा, जेड माइनस जेड वन मिल जाएगा। अब देखिए इसको सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू हमने जेड माइनस जेड जेड नॉट ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट, तो हमारा जेड नॉट और जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर और माइनस इसकी वैल्यू कितना है, रो वन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू रो वन। अभी स्टूडेंट सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल लें, सिमिलरली हम ये कह सकते कि जेड माइनस जेड टू ये कितना हो जाएगा, आर माइनस रो टू। अब देखिए अब क्या करना है कि सबकी वैल्यू हमको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो इक्वेशन फर्स्ट वीक हम यहाँ से क्या करेंगे, जेड जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू और जेड टू माइनस जेड नॉट जेड वन माइनस जेड नॉट और जेड जेड वन माइनस जेड टू सबकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो देखिए मॉड ऑफ एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू लेस देन इक्वल टू वन बाई टू पाई। ठीक है स्टूडेंट, और फिर उसके बाद देखिए जो हमारा जेड वन माइनस जेड टू ये हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रख देना है। ठीक है, तो हमको बस वेरिएबल को हटाना है, कॉन्स्टेंट नहीं हटाना। तो देखिए जेड वन माइनस जेड टू ये हमारा कॉन्स्टेंट है, जेड वन माइनस जेड टू इसको एज इट इज रख देना है। और फिर उसके बाद और हमारा एफ जेड, एफ जेड वैल्यू गिवेन है, एफ जेड क्या है हमारा के है, और डी जेड क्या है, डी जेड हमारे कंडोर की बाउंड्री तो है, जो सर्कुलर डिस्क इसकी बाउंड्री तो है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन क्या है, आर माइनस रो वन, और जेड माइनस जेड टू क्या है, आर माइनस रो टू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब क्या करें, आर हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू वन बाई टू पाई, आर कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू के इंटू टू पाई आर अपॉन आर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो हो गया वन माइनस रो रो वन बाई आर आर माइनस रो टू, तो यहाँ से आर कैंसिल आउट, टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू हमारा इक्वेशन बन के आ गया जेड वन माइनस जेड टू के अपॉन वन माइनस रो वन बाई आर आर माइनस रो टू। अब इसे अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर को इनफाइनाइट पर टेंड करा देना पड़ेगा। आर को इनफाइनाइट पर टेंड कराएंगे तो हमें इसका होल डोमेन मिल जाएगा, इस कंटूर का होल डोमेन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारा कंटूर सी है इसका होल डोमेन की अगर हम बात करें तो हमको आर को इनफाइनाइट पर टेंड कराने देना पड़ेगा। तो फॉर इंटायर डोमेन, एज आर टेंड टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आर को इनफाइनाइट पर टेंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से वन माइनस रो बाई इनफाइनाइट ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, वन इनफाइनाइट माइनस रो, इनफाइनाइट माइनस रो इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट मतलब ऊपर क्या कर देगा होल टर्म को, जीरो। तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब मॉड तभी जीरो, देखिए एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा हो क्या गया, एफ ऑफ जेड वन
इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू। तो स्टूडेंट हमको ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ जेड वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू। जब हमारा ये हो जाए तो क्या कह देंगे, हमारा एफ ऑफ जेड क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो स्टूडेंट यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।